हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन दिव्यांग विधवा वृद्धा के लिए होने वाली है जिनकी पेंशन रुकी हुई है और जिनको पेंशन का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, आज हम बता दें, पेंशन जो है धीरे धीरे आ रही है। पहले क्या होता था, पेंशन जो एक साथ भेजी जाती थी। दिव्यांग विधवा वृद्धा की जो पेंशन थी, पहले शुरू में दिव्यांग पेंशन और उसके बाद विधवा पेंशन, उसके बाद वृद्धा पेंशन, या वृद्धा पेंशन पहले, दिव्यांग पेंशन बाद में भेजी जाती थी। मगर अब पिछली बार में क्या हुआ था, पिछली बार में ये हुआ था दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन भेजी गई थी और जो है ओल्ड एज यानी वृद्धा पेंशन रोकी गई थी। और अब की बार ऐसा हो रहा है कि पेंशन जो है धीरे धीरे सभी की रोकी गई है और सबकी पेंशन धीरे धीरे भेजी जाएगी। आज हम अपने दिव्यांगजन ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे हमने पेंशन की जानकारी ली थी। उन्होंने बताया भी पेंशन दीपावली तक सभी की आ जाएगी, पर पेंशन जो आएगी आपके धीरे धीरे आएगी। अभी कोई बंदा ये ना सोचे कि पेंशन उसकी आ गई और हमारी पेंशन नहीं आई है। सभी की पेंशन एक साथ नहीं आएगी। पेंशन का सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया कि सीरियल वाइज पेंशन भेजी जा रही है। अब वो सीरियल वाइज या तो अकाउंट नंबर का सीरियल वाइज है या जिले का सीरियल वाइज है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से पेंशन भेजी जा रही है। अब एक ही गांव में किसी की पेंशन आ गई है, किसी की नहीं आई है, इसी तरह से शहर का हिसाब है। किसी की पेंशन आ गई है, किसी की नहीं आई है, पर यह पेंशन सभी की आएगी। जब वहां पे पहुंचे तो काफी बंदे ऐसा है जी हमारी पेंशन नहीं आई, उसकी पेंशन, तो उन्होंने यही बताया भाई सब्र रखे, पेंशन सभी की आएगी, धीरे धीरे पेंशन आएगी। और जिसकी केवाईसी कम्प्लीट नहीं थी, उन्होंने चेक किया था, कुछ बंदों की केवाईसी रिजेक्ट है, तो वे केवाईसी दोबारा कर रहे हैं। जिसकी केवाईसी रिजेक्ट हो गई है और जिसकी पिछली किस्त रुकी हुई है, वो किस्त भी आ जाएगी और जिसकी आने वाली किस्त है वो भी आएगी। और कुछ पेंशनों में वे राशन कार्ड भी लिंक कर रहे हैं। जिसकी केवाईसी सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है और उसकी पिछली किस्त नहीं आई है और अभी तक जो किस्त नहीं आई है, तो उसमें राशन कार्ड लिंक किए जा रहे हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, जिसकी पेंशन रुक गई है वो अपनी पेंशन चेक करा ले, उसके अंदर ये देखे कि हमारी केवाईसी रिजेक्ट तो नहीं हुई है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, केवाईसी भी कंप्लीट है, तो आप अपना दिव्यांगजन ऑफिस में जाके केवाईसी करा के और अपना जो है राशन कार्ड लिंक करा दे। अगर आपका राशन कार्ड लिंक हो जाएगा तो आपकी पेंशन आ जाएगी। और जिसकी न्यू पेंशन बननी है, उसकी न्यू पेंशन के फॉर्म आवेदन शुरू है, नए पेंशन आवेदन शुरू कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करके वहाँ दिव्यांगजन ऑफिस में जमा कर दें, आपकी न्यू पेंशन भी बन जाएगी। और दिव्यांगजनों के लिए शादी अनुदान योजना चालू है, राशन कार्ड योजना चालू है और जो है बैटरी वाली ट्राई साइकिल जो है यूपी के अंदर 80% दिव्यांगों को दी जाती है, वो भी योजना चालू है, आवेदन शुरू है। आप जाके आवेदन कर सकते हैं, जो दिव्यांग पात्र होंगे उनको योजना का लाभ मिल जाएगा। घर बैठे किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। आपको सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है, सभी रेडी रखने हैं। एक योजना और चल रही है, उसकी वीडियो में आपको अलग से बनाऊंगा, बता देता हूँ। फिलहाल लेबर मजदूर कार्ड जो होता है, सिर्फ लेबर मजदूर कार्ड जो होता है, अगर आपकी पहली बेटी हुई है तो पहली बेटी एक साल के अंदर अंदर आपके जो है 30,000 रुपए योजना चल रही है, उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि आप किस तरह सिर्फ लेबर कार्ड के जरिए 30,000 रुपए योजना का फायदा ले सकते हैं, ये कैसे बनता है, इसकी वीडियो हमने पहले भी बनाई है। अब जो है फुल प्रोसेस के साथ वीडियो को बना देंगे तो आप जो है 30,000 रुपए योजना का भी लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। हाँ, एक बात और मैं बतानी भूल गया, एक बात यह है कि बैंकों ने भी KYC शुरू कर दी है।